नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो BSc फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें आज हम जूलॉजी के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस बार का एग्ज़ाम OMR पाठ्यक्रम पर होना है, यानी कि जिनके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी के लिए आज की ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी। ये क्लास सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहां पर MCQ पैटर्न पर एग्ज़ाम होंगे। कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। अगर आप DTU गोरखपुर के छात्र छात्राएँ हैं, कानपुर विश्वविद्यालय से हैं, आगरा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से हैं, साथ ही साथ अगर आप MGPRU यूनिवर्सिटी बरेली विश्वविद्यालय से हैं, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हैं, माँ सुकाम्बरा विश्वविद्यालय से हैं और साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप सब के लिए ये वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी। और बाकी भी विश्वविद्यालय हैं जिनके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कराए जा रहे हैं इस सत्र के, ठीक है, तो सब के लिए सफिशियंट होगा। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने सम्मिलित किया है, जो आप सब के लिए बहुत ही कारगर होगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए तो पहला प्रश्न है, व्हाट ऑफ दीज इज नॉट एंड क्लोनिंग वेक्टर। इनमें से कौन क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। क्लोनिंग वेक्टर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। ओके, चलिए सभी लोग बताएंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि एग्रोबैक्टीरियम, दूसरा दिया गया है ईस्ट, ऑप्शन सी कह रहा है कि न्यूरोस्पोरा और डी ऑप्शन कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज। तो इनमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसमें से हो जाएगा दोस्तों न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है ये क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। बाकी अगर आप बात करें एग्रोबैक्टीरियम की, ईस्ट की और बैक्टीरियोफेज की, तो ये सभी क्या है, क्लोनिंग वेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि DNA इज एबल टू डिस्टिंग्विश्ड बाय, DNA को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि DNA को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि जेल इलेक्ट्रियोफोरेसिस, दूसरा दिया गया है ऑटो रेडियोग्राफी, सी ऑप्शन है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और डी दिया गया है सेंट्रीओफ्यूगेशन। तो आपको इसमें से सही उत्तर चुनना था। तो डीएनए को किसके द्वारा नहीं पहचाना जा सकता, तो यहाँ पर है जेल इलेक्ट्रियोफोरेसिस के द्वारा, यानी कि जेल विद्युत कण संचलन के द्वारा डीएनए को नहीं पहचाना जा सकता है। बाकी डीएनए की पहचान में ऑटो रेडियोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और सेंट्रीओफ्यूज का यूज किया जाता है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन आपके डीएनए से संबंधित हैं, बाकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये डीएनए से संबंधित नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, सभी को क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीनोमिक लाइब्रेरी इज प्रिपेयर्ड बाय, जीनोमिक पुस्तकालय किसके द्वारा तैयार किया जाता है। पहला ऑप्शन है PCR टेक्निक के द्वारा, दूसरा दिया गया है शॉटगन एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तीसरा है कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे इस क्वेश्चन का। भैया इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास ये कीजिए कि आप लोग आंसर करते रहिए, ठीक है। आंसर करने से क्या है कि आपको ये अनुमान होगा कि अगर आप टिक भी लगा रहे हैं, अंदाज़ा मानकर टिक लगा रहे हैं, तब भी एक अनुमान आपके मन में आएगा कि क्या ये क्वेश्चन सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जीनोमिक पुस्तकालय किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये तैयार किया जाता है किसके द्वारा, शॉटगन प्रयोग के द्वारा प्रयोग किया जाता है, शॉटगन एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, जिसमें है इन बैक्टीरिया द रिस्ट्रिक्शन फेनोमेना अकर्स नेचुरली, ठीक है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया में प्रतिबंध की घटना स्वाभाविक रूप से होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि बैक्टीरिया प्रोडक्शन एंजाइम के द्वारा, फॉर सेवरल के द्वारा, फॉर इफिशियंट क्लोनिंग के द्वारा, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरियम के द्वारा। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियम में प्रतिबंध की घटना जो होती है वो स्वाभाविक रूप से बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंजाइम के द्वारा होती है। ठीक है, यानी बैक्टीरिया एंजाइम पैदा करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रतिबंध एंजाइम को पृथक किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर एसोलेटेड फ्रॉम वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरिया। चलिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग इसका। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, प्रतिबद्ध एंजाइम को जो अलग किया जाता है वो बैक्टीरिया के द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा अलग किया जाता है। इसीलिए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है, क्लियर हो पा रहा है सभी को। चलिए सभी लोग बताते रहिएगा भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें कि आंसर क्लियर हो पा रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के प्रकार क्या हैं, जीन थेरेपी के प्रकार यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है यहाँ पर, पहला ऑप्शन दिया गया है कि सोमेटिक जीन थेरेपी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि जर्मलाइन जीन थेरेपी। सी है बोथ ऑफ दीज और नन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा दोनों, ये दोनों जो हैं ये टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी हैं। तो जीन थेरेपी के कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार हैं, कौन से, सोमेटिक जीन थेरेपी और जर्मलाइन जीन थेरेपी, दो प्रकार के जीन थेरेपी हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर रहेगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ द ट्रीटिंग एल्बिनिज्म इज। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है कि जीन थेरेपी, जनरल फिजियोथेरेपी, एक्सरे थेरेपी या जनरल ड्रग ट्रीटमेंट, यानी कि एल्बिनिज्म के उपचार का सबसे प्रभावी साधन में से कौन सा है, जीन थेरेपी है, सामान्य मनोचिकित्सा एक्सरे थेरेपी या सामान्य दवा उपचार। तो इनमें से सही जो उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जीन थेरेपी। द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एल्बिनिज्म इज जीन थेरेपी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है कि जीन थेरेपी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ फॉरगेस जीन्स इनटू, जीन थेरेपी स्वास्थ्य विदेश जीनों में परिचय है। ऑप्शन कह रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल विथ जेनेटिक डिफेक्ट्स, ऑप्शन बी कह रहा है कि इन क्रोमोसोम विथ जेनेटिक डिफेक्ट, ऑप्शन सी है इन जनरली डिफेक्टिव ऑर्गेनल और डी दिया गया है कि जनरली डिफेक्टिव सेल। तो जीन थेरेपी स्वास्थ्य विदेशी जीनों का जो परिचय है वो इनमें से क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सब बताने का प्रयास करें। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिक रूप से दोषपूर्ण जीवों में, यानी कि जनरली डिफेक्टिव सेल। जीन थेरेपी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ फॉरगेसिव जीन्स इनटू जनरली डिफेक्टिव सेल। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए इतनी चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि कास्मिड वेक्टर आर यूज फॉर, कास्मिड वेक्टर का उपयोग के लिए किया जाता है, यानी कास्मिड वेक्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्लोनिंग फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, बी ऑप्शन कह रहा है आपका, बी वाला ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है कि क्लोनिंग लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। सी ऑप्शन है क्लोनिंग प्रोकैरियोटिक डीएनए ओनली और डी ऑप्शन है क्लोनिंग यूकैरियोटिक डीएनए ओनली। तो कास्मिड वेक्टर का उपयोग
किसके लिए किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, डीएनए के बड़े टुकड़े क्लोनिंग के लिए किया जाता है, यानी क्लोनिंग लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। कॉस्मिक वेक्टर आर यूज फॉर क्लोनिंग लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड विच आर द मेंटेन्ड एज द मल्टीपल कॉपी नंबर पर सेल इज नोन एज। प्लाज्मिड जिन्हें प्रति सेल इकाई कॉपी नंबर में रूप में बनाए रखा जाता है, किसके रूप में हम जानते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा कि कह रहा है कि प्लाज्मिड जिनके प्रति हम कई कॉपी नंबरों के रूप में बनाए रखते हैं, तो उनको हमें किस रूप में जाना जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कि स्ट्रेंजेट प्लाज्मिड, या ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, रिलैक्स्ड प्लाज्मिड, सी दिया गया है कि कार्पिट प्लाज्मिड, और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रिलैक्स्ड प्लाज्मिड। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में, सही उत्तर आपका है। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कई बार रिपीट भी हुआ है। SCP स्टैंड फॉर, SCP किसके लिए स्टैंड फॉर, यानी SCP का फुल फॉर्म क्या है, SCP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है कि सिंगल सेल प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है स्ट्रेस कल्टीवेट प्लांट, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि सोमेटिक कल्टीवेटेड प्लांट, और डी ऑप्शन कह रहा है सोमा क्लोनिंग प्लांट। तो SCP स्टैंड फॉर सिंगल सेल प्रोटीन, ध्यान रखेंगे किसके लिए, सिंगल सेल प्रोटीन के लिए ये स्टैंड करता है। S मतलब सिंगल, C मतलब सेल, और P मतलब प्रोटीन। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड मल्टी न्यूट्रिएंट्स। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे आप सभी लोग कि कितने, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कितने परसेंट जो ह्यूमन हैं, यानी कि मानव हैं, मानव की आबादी जो है वो हंगर और मल्टी न्यूट्रिएंट से ग्रसित हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 75%, 5%, 25% या फिर 50%। तो यहाँ पर लगभग 25% लोग इस चीज़ से ग्रसित हैं, यानी कि मल्टी न्यूट्रेंट्स और हंगर से 25% लोग अभी भी ग्रसित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टोज फाउंड इन मिल्क इन डाइसैकेराइड कंपोस्ट। चलिए सभी लोग उत्तर कीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, जो कि किससे मिलकर के बना होता है, या पूछा गया है कि जो लैक्टोज है, दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज एक प्रकार का क्या है, डाइसैकेराइड है, जो किससे बना है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, BSc सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज से मिलकर के लैक्टोज बना होता है, ये मिल्क शर्करा के नाम से इसे जानते हैं। ध्यान रखिएगा लैक्टोज को मिल्क शर्करा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइटेस्ट बॉडी वेट गोट इज, शरीर का सबसे हल्का वजन वाला बकरा है, हल्का जो है वो कौन होता है, इनमें से बताना है कि शरीर में सबसे हल्का जो बकरा होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, सभी लोग को उत्तर करना है। यहाँ पर बकरे की प्रजाति दी गई है, पहली प्रजाति दी गई बीटल, दूसरा दिया गया यहाँ पर कि बर्बरी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया जमुनापारी, और डी दिया गया है यहाँ पर टोगेनबर्ग। ठीक है, तो सबसे जो लाइटेस्ट बॉडी वेट का बकरा जो होता है वो होता है जमुनापारी, माफ़ कीजिएगा, बर्बरी होता है। क्या होता है, बर्बरी, जमुनापारी तो भारी होता है। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, लाइटेस्ट बॉडी वेट गोट इज बर्बरी। ओके चलिए ठीक है, बर्बरी का आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस मेथड इज कैरीड आउट फ्रॉम द कंट्रैक्शन ऑफ मेल पिग्स, पिग्स मतलब सुअर। यहाँ पर है यह विधि नर सुअर के बधियाकरण के लिए किया जाता है, इनमें से कौन सी विधि जो नर सुअर होते हैं उनके नसबंदी के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके है जिसका आंसर आपको करना है। पहला जो टाइप्स दिया गया है उसमें दिया गया है कि बर्डीजो या गर्म लोहा हॉट आयरन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि चाकू, और डी दिया गया है इलस्ट्रेटर। ठीक है, तो नर सुअरों का जो बधियाकरण किया जाता है वो चाकू की मदद से किया जाता है, नेब की मदद से किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यह जो है जो नर सुअर होते हैं उनके बधियाकरण के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेचर ऑफ एस्ट्रोगन, एस्ट्रोजन का रासायनिक प्रकृति क्या है। द केमिकल नेचर ऑफ एस्ट्रोजन, अमीनो एसिड, प्रोटीन, फैटी एसिड, या फिर दिया गया है साइट्राइट। ठीक है, तो इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन की रासायनिक प्रकृति आपको बताना है, किसी को पता है। चलिए तो इसका जो केमिकल नेचर होता है वो क्या होता है, एस्ट्राइट होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, केमिकल नेचर ऑफ एस्ट्रोजन इज एस्ट्राइट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने पूछा गया है ओलरीकल्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओलरीकल्चर, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप क्रॉस क्रॉप, बी ऑप्शन है कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड, ऑप्शन सी कह रहा है कि कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, और ऑप्शन डी है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। तो जो ओलरीकल्चर है वो सब्जियों की खेती से संबंधित है, या फलों की खेती से संबंधित है, या फिर नकदी फलों की खेती से संबंधित है, या फिर तिलहन से संबंधित है, किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास कीजिए। तो ओलरीकल्चर किससे संबंधित है, ओलरीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल से संबंधित है, किससे संबंधित है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। ओके, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती, साग सब्जियों की खेती के लिए ओलरीकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है, पूसा हाइब्रिड 4 इज द वैरायटी ऑफ, पूसा हाइब्रिड 4 किसका एक प्रकार है, यानी कि यह प्रजाति का नाम है। ठीक है, पूसा हाइब्रिड 4, ये ब्रिंजल, बनाना, टमाटो या पटेटो, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं कि पूसा हाइब्रिड 4 जो है ये क्या बैगन की एक प्रकार की प्रजाति है, या केला की एक प्रकार की प्रजाति है, या फिर टमाटर की, या फिर आलू की। तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग लगभग कि बैगन की तीन चार प्रजातियां आप प्रजातियों के नाम याद रख लीजिएगा, और बनाना के, टमाटो और पटेटो, इनके चार प्रजातियां, चार चार प्रजातियों के बारे में ज़रूर आप थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिएगा। हालांकि मैं आपको इसमें सॉल्व पेपर में करा दूंगा इनके, क्योंकि ये हो सकता है, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया है कि पूसा हाइब्रिड 4 किसकी वैरायटी है, तो ये टमाटो की वैरायटी है, टमाटो की वैरायटी का नाम है पूसा हाइब्रिड 4। ठीक है, तो उत्तर तो यहाँ पर सी हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर ब्रिंजाल का पूछ लेता, बैगन का पूछ लेता, तो बैगन में बेनार है, ठीक है, बेनार की प्रजाति आती है, तो इसी प्रकार से कई प्रकार की प्रजातियां हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, तो उसके अलग अलग नाम हैं, तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही है, पूसा हाइब्रिड 4 टमाटो की एक प्रजाति है, टमाटर की। ओके, ऑप्शन सी सही है, करेक्ट। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक जानकारी रखता है। ऑप्शन ए दिया गया है क्लोरोफिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सेल वॉल, डीएनए, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसका उत्तर आप सब दे पाएंगे मुझे लगता है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डीएनए। इनमें से निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक जानकारी रखता है, तो डीएनए जो है वो क्या करता है, डीएनए अनुवांशिक जानकारी रखता है,
ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए फाउंड इन, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम, दूसरा है माइटोकांड्रिया, सी ऑप्शन दिया गया क्लोरोप्लास्ट और डी दिया गया है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और डीएनए में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, माइटोकांड्रिया पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए इतनी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनेटर ऑफ डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल का पहला परिवर्तक कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबके द्वारा बताया जाना है। पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर जेम्स वाटसन, यहाँ पर दूसरा है फ्रांचाइजी क्रिक, सी दिया गया है बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो डबल हेलिकल जो मॉडल दिया गया था वो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, वाटसन, जेम्स वाटसन एंड फ्रांचाइजी क्रिक, इनका पूरा नाम है और वैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, हु वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनेटर ऑफ डबल हेलिकल मॉडल, तो आप लिखेंगे वाटसन एंड क्रिक। ओके, जेम्स वाटसन एंड फ्रांचाइजी क्रिक इज द ऑर्गेनेटर ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ओके, ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए इतनी चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज बैक्टीरियल कंपोनेंट ऑफ लाइट लाइकली टू कंटेन यूजफुल ऑफ एंटीजन्स, निम्नलिखित में से इनमें से किस जीवाणु घटक में उपयोगी जो प्रतिजन होने की संभावना सबसे कम है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से किस जीवाणु घटक में उपयोगी प्रतिजन होने की संभावना सबसे कम है। पहला ऑप्शन दिया गया है सेलवाल, दूसरा है फ्लेगेला यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं कसाभिका, सी दिया गया है राइबोसोम और डी दिया गया है कैप्सूल। ओके, तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम, सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम में जीवाणु घटक में उपयोगी प्रतिजन होने की संभावना क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन एसिड एंड एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन क्या का क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें एन एसिटाइल मुरैमी एसिड और एसिटाइल ग्लूकोसाइमिन से बनी संरचना है। पहला ऑप्शन दिया गया माइकोप्लाज्मा या फिर एक सलिका तंतु ई कॉयल्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई कॉयल। सही उत्तर क्या है इसमें, सही उत्तर इसमें हो जाएगा ई कॉयल आपका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, ई कॉयल जो है ये एन एसिटाइल मुरैमी एसिड और एसिटाइल ग्लूकोसाइमिन से बनी एक प्रकार की संरचना है। ऑप्शन सी इज द राइट उत्तर। ओके, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज इज यूज फॉर फेज डिस्प्ले टेक्निक, फेज डिस्प्ले तकनीकी के लिए किस फेज का उपयोग किया जाता है। सभी लोग उत्तर कीजिएगा, सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो फेज डिस्प्ले तकनीकी के लिए किस फेज का उपयोग करते हैं, ऑप्शन आपके दिए गए हैं T7 M13। अगला प्रश्न दिया गया है एम फेज या नेक्स्ट दिया गया है 6। ठीक है, तो उत्तर करना है आपको, तो आपको बता दें कि इनमें से M13 फेज का यूज डिस्प्ले टेक्निक के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, M13 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, द नेचर ऑफ एन एंजाइम, एक एंजाइम की प्रकृति क्या है, एक एंजाइम की प्रकृति क्या है, लिपिड विटामिन कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो आपको पता है एंजाइम जनरली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
प्रोटीन, द नेचर ऑफ एन एंजाइम इज प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इन एल्कोहलिज्म दिस एंजाइम इज इबेटेड, यहाँ पर दिया गया कि मद्यपान में यह एंजाइम बढ़ जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है कि एसिड फास्फेट, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर सी दिया गया सीरम ग्लूटामेट पाइरूवेट ट्रांस एमिनेस, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि ग्लूटामाइल ट्रांस पेप्टाइड। ठीक है, तो इनमें से सही उत्तर आपको बताना है, करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लूटामाइल ट्रांस पेप्टाइड। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है कि ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन बाई ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट इज कॉल्ड, एंजाइम की क्रिया को उसके सक्रिय स्थल को अवरुद्ध करके अवरुद्ध करना क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक एंजाइम को, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एलोस्टोरिक इनहिबिटन, बी दिया गया है फीडबैक इनहिबिटन, सी है कम्पिटेटिव इनहिबिटन और डी दिया गया नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटन। ठीक है, यानी कि एंजाइम की क्रिया को उसके सक्रिय स्थल को अवरुद्ध करके अवरुद्ध करना क्या कहलाता है, तो इसको हम प्रतिस्पर्धी निषेध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धी निषेध कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डायास्टेस टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ हिच वन, डायास्टेज किसके पाचन में भाग लेता है, पहला ऑप्शन है प्रोटीन स्टार्च अमीनो एसिड या फिर फैट, तो आपको बताना है इसका उत्तर, तो आपको ध्यान रखना है करेक्ट उत्तर हो जाएगा स्टार्च, डायास्टेज स्टार्च के पाचन क्रिया में भाग लेता है, ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जाइमोजेन और जाइमोजेम एंड प्रो एंजाइम इज ए, ऑप्शन दिया गया है कि मॉड्यूलेटर विटामिन एंजाइम प्रोड्यूसर या फिर हार्मोन, ये दो एंजाइम के नाम दिए गए हैं, पहला एंजाइम दिया गया है जाइमोजेन और दूसरा दिया गया है प्रो एंजाइम, ये क्या हैं, ये एक प्रकार के मॉड्यूलेटर हैं, विटामिन हैं, एंजाइम प्रोड्यूसर हैं या फिर हार्मोन हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप सब इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा वो ये क्या है, एक प्रकार के एंजाइम प्रोड्यूसर हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी वाला करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो जाएंगे एंजाइम प्रोड्यूसर यानी कि एंजाइम अग्रदूत। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है एंजाइम आर मेड अप ऑफ, एंजाइम किससे मिलकर के बने होते हैं, ये क्वेश्चन बना पूछा गया है, फैट्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड विटामिन्स, तो एंजाइम किससे मिलकर के बने होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन, एंजाइम किससे मिलकर के बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम आर पॉलीमर आप, एंजाइम किसके बहुलक हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है हेक्सोसेस शुगर अमीनो एसिड फैटी एसिड या इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो एंजाइम बहुलक किसका है, एंजाइम जो है वो किसका बहुलक है, तो आप सबको पता है एंजाइम अमीनो एसिड का बहुलक है, किसका, अमीनो अम्ल का बहुलक है, अमीनो एसिड, एंजाइम आर द पॉलीमर आप अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके चले अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जिसमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि Mg2+ इज एन इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर फॉर एंजाइम्स, पहला दिया गया है फास्फेट्स कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स एमाइलेस या फिर इथ्रोकाइनेस, तो Mg2+ एंजाइम के लिए एक अकार्बनिक उत्प्रेरक है,
फास्फेट कार्बोनिक एनहाइड्राइड, या फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एमाइलेज, या फिर एंट्रोकाइनेज। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका फास्फेट। क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा फास्फेट। Mg2 इज एन इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर फॉर एंजाइम्स फास्फेट के लिए। ठीक है, ये फास्फेट के लिए जो अकार्बनिक उत्प्रेरक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह ये रहा है क्वेश्चन कि Mg2+ एंजाइम जो है वो किसके लिए एक अकार्बनिक उत्प्रेरक है। तो ये फास्फेट के लिए क्या है, एक प्रकार का अकार्बनिक उत्प्रेरक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला, यानी फास्फेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एमंग देम द ए को फैक्टर, उनमें से कौन सा एक सहकारक है। इनमें से आपको बताना है कौन सा को फैक्टर है। इनऑर्गेनिक आयन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्हिच ऑफ एमंग दीज ए को फैक्टर। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक आयन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये दोनों आपके क्या हैं, को फैक्टर हैं। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वन ऑफ द टेट इज नॉट सीन इन द पर्सन विथ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में क्या लक्षण नहीं देखा जाता है। इनमें से पूछा गया है कि जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम होता है उस व्यक्ति में कौन से लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि हाई मसल्स टोन, स्मॉल स्टेयर, या फिर अपवर्ड साइलेंट साइल, या ऑप्शन सी दिया गया शॉर्ट नेक। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में क्या नहीं दिखाई देता है। तो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में उच्च मांसपेशी टोन नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया गया है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ए चाइल्ड विथ डाउन सिंड्रोम हैज इज। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए 45, 46, 47 या 48। यानी डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या पूछी गई है। तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 47 होती है, 47 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, 47। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम इज द केस ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्या डाउन सिंड्रोम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ए क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण, या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण, या ऑप्शन डी कह रहा है कि लेक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्रेन ड्यूरिंग द ब्रिथ। ठीक है, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है जीवाणु संक्रमण, दूसरा दिया गया है कि एक गुणसूत्र असामान्यता, वायरल संक्रमण के कारण, या जन्म के दौरान मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी होने के कारण। तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, एक गुणसूत्र असामान्यता। क्या कहलाएगा, एक गुड डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो एक गुणसूत्र असामान्यता के कारण डाउन सिंड्रोम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रीट ऑफ एक्स लिंकेड रिसीप्स। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स लिंकेड रिसीप्स का लक्षण है। पहला दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि एल्बिनिज्म, ऑप्शन बी है हीमोफीलिया, या फिर हिंटिंगटन की बीमारी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग उत्तर कीजिएगा इसका। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हीमोफीलिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स लिंकेड रिसीप्स का लक्षण है। तो हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंकेड रिसीप्स का लक्षण है। ऑप्शन नंबर बीस में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हीमोफीलिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोड ऑफ इनहेरिटेंस फॉर द टेट प्रेगिला एक्स सिंड्रोम।
विशेषता के लिए वंशानुक्रम का तरीका जिसे फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम कहते हैं वो क्या है? ऑप्शन देखिए इसमें क्या दिया गया है। ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है एक्स लिंकेड प्रमुख या एक्स लिंकेड डोमिनेंट, एक्स लिंकेड रिसीव्स, ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर ऑटोसोमल रिसीव्स। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इनमें सही उत्तर हो जाएगा एक्स लिंकेड डोमिनेंट। ठीक है, एक्स लिंकेड प्रमुख विशेषता के लिए वंशानुक्रम का तरीका जिसे कहते हैं फ्रैगाइल एक्स सिंड्रोम क्या है? वो एक्स लिंकेड प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हो पा रही है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफ क्रोमोसोम वाज द कॉइनड बाई, गुणसूत्र शब्द द्वारा किसके द्वारा गढ़ा गया था? जो गुणसूत्र है वो शब्द किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सटन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है यहाँ पर जिसमें है बोवरिक, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वर्ल्ट हेयर और डी दिया गया है हाफ मेस्टर। ठीक है, तो गुणसूत्र शब्द जो दिया गया था वो वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्डेयर के द्वारा गुणसूत्र शब्द दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि हु प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रस्ताव इनमें से किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि सटन, ऑप्शन बी दिया गया है बोवरिक, ऑप्शन सी क्या दिया गया है? ऑप्शन सी कह रहा है कोरेसेंस और डी दिया गया है बोथ। तो आपको ध्यान रखना है वंशानुक्रम के गुणसूत्र का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन सटल और बोवरिक ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा? डी वाला, ए और बी दोनों, सटन और बोवरिक ने वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था, इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेक्स लिंकेड डिसीजेस, निम्नलिखित में से किसे सेक्स से जुड़ी बीमारी कहा जाता है? इनमें से सेक्स से जुड़ी बीमारी कौन सी है ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है यहाँ पर? पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए कह रहा है कि लुकेमिया, लुकेमिया। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि अल्जाइमर, ऑप्शन नंबर सी है दुर्दमता या फिर ऑप्शन डी है रंग अंधापन। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कलर इन्वाइटस जो है ये सेक्स लिंक्ड डिसीजेस है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों मुझे इस ऑप्शन में मिस्टेक लग रहा है, हो सकता है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें लुकेमिया यहाँ पर जो है ये सेक्स से जुड़ी बीमारी होती है। ठीक है, रंग अंधापन ये तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होना चाहिए। ओके, चलिए थोड़ा सा इसमें संदिग्ध है इस क्वेश्चन में, आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी या फिर चार जोड़ी। चलिए सभी लोग उत्तर कीजिएगा इस क्वेश्चन का कि मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी या फिर चार जोड़ी। तो इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, दो जोड़ी। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की जो संख्या मौजूद होती है वो दो जोड़ी मौजूद होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बीस में आपका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द क्रोमोसोम, गुणसूत्रों का निरीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वाल्डेयर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है स्ट्रांगबर्ग और डी दिया गया है हाफ मेस्टर। तो आपको बता दें कि गुणसूत्र का निरीक्षण करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो फ्लेमिंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्लेमिंग
ने गुणसूत्र का निरीक्षण किया था सबसे पहले, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर आपका रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मेटाफेज। मेटाफेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए क्रोमोसोम इज द थिकेस्ट ड्यूरिंग टू मेटाफेज। ऑप्शन बी है, ए क्रोमोसोम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग टू मेटाफेज। ऑप्शन सी है, ए क्रोमोसोम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द मेटाफेज। और डी ऑप्शन दिया गया है, बोथ ए एंड बी। तो मेटाफेज के बारे में कौन सा कथन असत्य हमें ढूंढना था। ठीक है, तो असत्य कथन इसमें से पहला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कि एक क्रोमोसोम इज द थिकेस्ट ड्यूरिंग टू मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान एक गुणसूत्र जो होता है वो सबसे मोटा होता है, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है। ठीक है, क्योंकि मेटाफेज के बारे में कथन जो दौरान गुणसूत्र जो होता है वो मोटा नहीं होता, थिकनेस नहीं होती है उसमें। ठीक है, दूसरा कथन है कि मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र सबसे छोटा होता है, तो यह भी असत्य है। गुणसूत्र सबसे छोटा नहीं होता है, लगभग लगभग जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे, ये कथन असत्य कथन हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। सी वाला ऑप्शन सही है, मेटाफेज के दौरान जो गुणसूत्र होता है वो क्या हो जाता है, लंबा होता है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्रोमेटिन कंपोजिशन। क्रोमेटिन संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन दिया गया डीएनए, दूसरा आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन्स, और डी ऑप्शन दिया गया डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो क्रोमेटिन संगठन के बारे में कथन सत्य पूछा गया था, तो सत्य कथन जो है वो हो जाएगा डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनमें से आपके जो सही ऑप्शन हो जाएंगे वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्रोमेटिन संगठन के बारे में ये सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी ऑटोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग। मनुष्य में कितने ऑटोसोम मौजूद होते हैं, आपके ऑप्शन दिए गए हैं 20 पेयर, 22 पेयर, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 23 पेयर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 44 पेयर। तो मनुष्य में जो ऑटोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है 22, यानी कि 22 पेयर ऑटोसोम मौजूद होते हैं मनुष्य में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीवित प्रजाति में, यहाँ पर पूछा गया किस जीवित प्रजाति में 200 से अधिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है अमीबा, भैंस, या फिर चिकन, या फिर जिराफ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जीवित प्रजाति में 200 से अधिक गुणसूत्र का होना, तो पहला तो इसमें हो जाता है डॉग, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आएगा अमीबा। इसमें से भैंस, चिकन, जिराफ इसमें कम होते हैं, लगभग लगभग 38 से 40 के बीच में इन सब में गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर अमीबा जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अमीबा में 200 से अधिक गुणसूत्र मौजूद होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाई, डीएनए फिंगर प्रिंट का विकास किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है कि फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है खुराना, ऑप्शन सी है एलिक जेफरी, और डी ऑप्शन है जेम्स वाटसन। तो चलिए जल्दी से बताइए भैया इस क्वेश्चन का क्या उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एलेक जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, एलेक जेफरी के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट डेवलप किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक
डेस्टिग्यू द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन दियर डीएनए प्रिंट पैटर्न इज कॉल्ड। व्यक्तियों को उनके डीएनए प्रिंट पैटर्न के आधार पर अलग करने की तकनीकी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर ए डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए प्रोफाइलिंग, ऑप्शन सी है मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग और डी दिया गया है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो व्यक्तियों को उनके डीएनए प्रिंट पैटर्न के आधार पर अलग करने की जो तकनीकी है उसको हम डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं, मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इसलिए उत्तर आप लगाएंगे ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि द यूज ऑफ स्टैटिकल अपर्चर्स इज बायोलॉजी इज रेफर्ड टू एज। जीव विज्ञान में संख्यांकीय उपागमों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्टैटिक्स इन बायोलॉजी, ऑप्शन बी है स्टैटिक्स इन वाइवो, ऑप्शन सी है स्टैटिक्स और डी दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो जीव विज्ञान में संख्यांकीय उपागमों का प्रयोग जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों जैव संख्यांकी। क्या कहा जाता है? जैव संख्यांकी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इस अनदर नेम ऑफ बायोस्टैटिक्स, जैव संख्यांकी का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है स्टैटिक्स इन बायोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है बायोमेट्रोलॉजी, ऑप्शन सी दिया गया है बायोमेट्री और डी दिया गया है बोथ ए एंड बी। तो इनमें से करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? बायोमेट्री। बायोस्टैटिक्स का जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं बायोमेट्री, यानी कि ज्योमिति जैव संख्यांकी का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द कंसीडर्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स, जैव संख्यांकी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपका दिया गया है फिशर, ऑप्शन बी दिया गया कार्ल पियर्सन, सी दिया गया है कि फ्रांसिस गैल्टन और डी दिया गया है ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया फ्रांसिस बेकन। तो जैव संख्यांकी का जनक जो माना गया है वो फ्रांसिस गैल्टन को माना गया। किसको? फ्रांसिस गैल्टन जो थे वो जैव संख्यांकी के जनक थे। इसलिए ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। ओके, अगला प्रश्न है, इन जर्मन वर्ड स्टैटिक्स इंडिकेट, यानी कि जर्मन शब्द में संख्यांकी शब्द क्या इंगित करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया कैलकुलेशन को, जर्मन शब्द में जो स्टैटिक्स है उसको हम कैलकुलेशन कहते हैं, या फिर गवर्नमेंट कहते हैं, मैथ कहते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो जर्मन शब्द में संख्यांकी जो शब्द है वो इंगित करता है गवर्नमेंट को, सरकार को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ स्टैटिकल अपर्चर्स इन बायोलॉजी रेफर टू एज, जीव विज्ञान में संख्यांकी उपागमों का प्रयोग जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है स्टैटिक्स इन बायोलॉजी, स्टैटिक्स इन वाइबो या बायोस्टैटिक्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जीव विज्ञान में संख्यांकीय उपागमों के प्रयोग को हम क्या कहते हैं, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा भैया क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं विवो का आंकड़ा, क्या कहते हैं? विवो का आंकड़ा, यानी कि स्टैटिक्स इन विवो। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवो का आंकड़ा आपका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इज द अनदर नेम ऑफ बायोस्टैटिक्स, जैव संख्यांकी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है स्टैटिक्स इन बायोलॉजी, या दूसरा दिया गया है कि बायोमेट्रोलॉजी, ऑप्शन सी है बायोमेट्री, डी दिया गया है बोथ ए एंड बी। तो बायोसंख्यांकी का जो बायोस्टैटिक्स का जो दूसरा नाम है उसको क्या कहते हैं? बायोमेट्री कहते हैं, ये आप सबको पता है, जिसको ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का
करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आप सभी को, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते भी रहिए कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही है या नहीं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस क्लास में लगभग लगभग हमने 100+ MCQ प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखा। नेक्स्ट मॉडल पेपर में 100+ MCQs हम लेकर के आएंगे जो आप सबके लिए और हेल्पफुल रहेगा, और इसी प्रकार से लगभग लगभग 10 मॉडल पेपर मैं आप लोग को करा दूंगा। कोई भी प्रश्न आपके सब्जेक्ट से छूटेगा नहीं, आपके टॉपिक से पूरे पाठ्यक्रम का ऐसा भी कोई भी MCQ नहीं होगा जो हमारे द्वारा ना कराया जाए, ठीक है। सभी को मैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में हल करा दूंगा। मॉडल पेपर देने के बाद चैप्टर वाइज चैप्टर MCQs भी करा देंगे। ऑल सब्जेक्ट के लिए जुड़ जाइए आप सभी लोग, आप सबकी MCQ की क्लास चालू है। किसी भी विश्वविद्यालय से आप हों जहाँ पर MCQ पैटर्न पर एग्ज़ाम होना है, सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा सभी लोगों तक जो आपके दोस्त हैं, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेटर ढंग से कर सकें, ठीक है दोस्तों। इस क्लास का PDF अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लीजिए SP Study Point, ठीक है। SP Study Point आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।